कोई भी प्रॉब्लम में आई हो तो बता दीजिए बेटा। एसी जनरेटर में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताइए। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड द केस ऑफ प्रिंसिपल ऑन विच द एसी जनरेटर वर्क्स। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कन्वर्शन ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस इन द एसी जनरेटर। एंड आफ्टर दैट बेटा वी आल्सो डिस्कस्ड दैट इन द केस ऑफ एसी जनरेटर वी कैन हैव सिंगल फेस, डबल फेस, ट्रिपल फेस एंड इवन मल्टी फेस एसी जनरेशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल सिचुएशंस, वी नेवर मेक द आर्मेचर कॉइल टू गेट रोटेटेड, बट वी रोटेट द ड्रम कंटेनिंग द मैग्नेट्स ओनली बेटा। एंड उससे आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजेस हैं अपने आप साथ साथ ही आती चली जाती हैं। यस बेटे मुनीत, यस सर। एनी डाउट सो फार? नो सर। लेट अस बेटे देन प्रोसीड विद ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है बेटा, ये हमारे पास एक बेटे ऐसा डिवाइस है जो लो वोल्टेज एट हाई करंट को हाई वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा ये कंप्लीट कर देता है। ये ट्रांसफार्मर जो है बेटा, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। ये आपका डिवाइस जो है बेटा, ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? रिगार्डिंग दैट वी कैन से दैट इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा आपका जो ट्रांसफार्मर है इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। फ्यू इयर्स बैक सीबीएसई में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, उन्हें ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन की जब आप बात करोगे तो ये बेटे तभी पॉसिबल हो पाएगी अगर आप प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स वेरी करोगे किसी भी तरीके से। मे बी आप करंट वेरी कर दें या उसकी ओरिएंटेशन में चेंज ले आए या कोई और तरीका आप ढूंढ लें। तो वहां पे उन्होंने क्या दिया था कि एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस डीसी सोर्स कनेक्ट करके डायग्राम दे दिया था और पूछा था, बाकी सारे पर्टिकुलर्स दिए हुए थे दैट व्हाट विल बी द आउटपुट बेटा। तो बिकॉज इनपुट डीसी है, डायरेक्ट करंट है, फिक्स करंट है, फ्लक्स में चेंजेस आनी नहीं थी और आउटपुट वोल्टेज जो है या आउटपुट करंट जो है दैट माइट हैव बीन जीरो बेटा। सो आइए पहले थोड़ा और बात करें ट्रांसफार्मर के बारे में, देन वी विल बी गोइंग अप टू द अदर नेसेसरी डिटेल्स बेटा। ट्रांसफार्मर आपका एक ऐसा डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और अगर मैं बेटा डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ ट्रांसफार्मर के लिए, आपके पास ये एक सॉफ्ट आयरन का सेंटर पे कोर आपने प्लेस कर रखा है, ये वाला कोर है, और इस कोर को आप अच्छे से जानते हैं, आपने थिन वेफर्स में डिवाइड करके इसको इन वेफर्स को आपस में इंसुलेट करके रखा हुआ है और फिर आपस में इनको कनेक्ट कर दिया गया है। ये कुछ इस तरीके का आपका सॉफ्ट आयरन के वेफर्स को एडजस्ट करने के बाद ट्रांसफार्मर का कोर ऐसे बन जाता है। देन हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस बेटे एक ये कॉइल अटैच कर देंगे दिस वे। ये जो कॉइल है बेटा, आप इसको
एसी सप्लाई दे दोगे इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड बेटे योर प्राइमरी प्राइमरी कॉइल, ये आपका इनपुट एसी सोर्स आपने अटैच किया प्राइमरी कॉइल के साथ। सेकेंडरी कॉइल आप यहां पे फिक्स कर दोगे, अटैच कर दोगे इन दिस मैनर, और यहां पे आपको बेटे आउटपुट कलेक्ट करना है इस इसके अक्रॉस बेटे आउटपुट आपको लेना है इन दिस वे। आपका जो प्राइमरी है इधर, फिर आपका बेटे जो है सेकेंडरी कॉइल कहलाएगा। प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, लेट अस से दैट वी कॉल दीज टर्न्स एज np, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, एंड हियर वी कॉल एज नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। आपको ये भी याद होगा फ्यू डेज बैक हमने बात की थी लूज कपलिंग है, टाइट कपलिंग है, या कपलिंग कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन किया था। तो अगर आपका कपलिंग टाइट है, इसका मतलब होगा कि सारे का सारा फ्लक्स प्राइमरी का सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो रहा है, और आपका इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड वोल्टेज और ईएमएफ जो है दैट विल बी मैक्सिमम। अगर आपका कपलिंग टाइट नहीं है तो फ्लक्स के लॉसेस इसमें होंगे, और आपका इनपुट जितना भी पावर है वह दैट विल नॉट बी इक्वल टू द पावर यू आर गेटिंग एज एन आउटपुट बेटा। नाउ थोड़ी सी बात करें टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर कौन कौन सी टाइप के हो सकते हैं डियर चिल्ड्रन, लेट अस फोकस अपॉन बेटा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स की जब आप बात करते हो बेटा, इसमें दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेटा, एंड सेकेंडली आपके पास है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है बेटे, ये क्या करता है, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट बेटे। और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इसकी खास बात क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होते हैं, एन एस इज मोर देन एन पी। और बात आपको और बता दूं, अगर सेकेंडरी कॉइल बड़ी थिन होती है और प्राइमरी कॉइल मोटी होती है, थिक होती है, ठीक है। इसमें ये जो सेकेंडरी कॉइल है इट इज क्वाइट थिन, बड़ी ब्रीक सी वायर होती है, और जो प्राइमरी कॉइल है इट इज क्वाइट थिक, थोड़ी मोटी वायर रहती है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो वो कहेंगे कि कौन से नंबर की वायर चाहिए आपको, 20 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर, 26 नंबर, 28 नंबर, कुछ ऐसे कहते हैं वो। दैट इज डायरेक्टली लिंक टू द डायमीटर ऑफ द वायर। मोटी वाली वायर जो वायर है दैट वी विल बी अडॉप्टिंग फॉर द प्राइमरी इन द केस ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एंड थिन वाला वायर जो है दैट विल बी यूज्ड एज द सेकेंडरी कॉइल इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एंड कीप वन थिंग इन माइंड, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में काफी ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी कॉइल, राइट। समझ आ गई बात बेटा ये। इसके बाद सेकेंड टाइप हमारे पास है बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हाँ जी बेटे, सेकेंडरी की हाँ, फिर तो ना 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 ना, अगर ये थिक कर दोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कैसे कर पाओगे आप, ये तो डायमीटर, ये एज तो फिक्स है ना,
अगर आप वायर मोपी कर दोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स अपने आप लिमिटेड हो गई, दैट विल नॉट बी पॉसिबल, राइट? ठीक हो गई बात ये? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अगर बात करें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इट विल टेक कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट इंटू लो वोल्टेज एट हाई करंट बेटा। ये बिल्कुल इसके उल्टा हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर के। और डियर चिल्ड्रन इसमें और क्या खास बात है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपकी सेकेंडरी की, दीज विल बी लेस देन दैट ऑफ द प्राइमरी। और इसमें आपका सेकेंडरी कॉइल जो है इट विल बी क्वाइट थिक और प्राइमरी थिन होगा। ये आपका थिक होगा एंड इट इज गोइंग टू बी क्वाइट थिन वायर बेटा। सो इस तरीके से आप बेटे इसको सोच सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। यस बेटा, आई कैन सी ओवर हियर आदित्य शर्मा, सिया, वंशिका, अभय, आशिता, आर्यन, भव्या, भूमिका, इश्पुनीत, क्षितिज, मानविया, रोहन, सुप्रिया, तानिश वर्मा एंड वंश नूर सिंह बेटा। इज इट क्लियर टू ऑल बेटा डियर चिल्ड्रन? कोई? हाँ जी सर। ओके बेटे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब बेटे आइए जरा डायग्राम के सेटअप के ऊपर फोकस करके देखें हम कैसे फर्दर मोर इसके साथ रिलेटेड एनालिटिकली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्राइमरी को आपने इनपुट एसी सोर्स जब अप्लाई किया, प्राइमरी कॉइल के क्लॉस बेटे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा और प्राइमरी के क्लॉस आपका जो ईपी है इट विल बी इक्वल टू माइनस एन पी और डी फाई अपॉन डी टी। कह रहे हम बेटा फाई आपका फ्लक्स है लिंक विद द कॉइल। जरा देख के बताइए डियर चिल्ड्रन, इज इट पॉसिबल इन दिस वे? यस बेटा, डियर ऑल, इज मैनेजेबल? ओके वेल देन बेटे लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में लेंज़ लॉ अप्लाई कर दीजिए, ई एस दिस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी। यहां पे ये चीज हम बेटा अज्यूम करके चल रहे हैं कि फ्लक्स टाइट कपलिंग होने की वजह से लॉस फ्लक्स का नहीं हो रहा है। जितना फ्लक्स आपका प्राइमरी कॉइल का है वो पूरे का पूरा सेकेंडरी कॉइल के साथ बेटे लिंक हो रहा है। दिस इज बीइंग अज्यूम्ड ओवर हियर। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस एज इक्वेशन नंबर टू। बेटा आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर टू को वन से डिवाइड कर दीजिए। वेल यू विल बी डूइंग दिस, आपके पास ई एस अपॉन ई पी इट विल बी माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी। ये सब कट गया बेटा एंड आपके पास चीज जो बच गई है ई सेकेंडरी, ई प्राइमरी, एन सेकेंडरी, एन प्राइमरी। ये एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें ये जो रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स है इट इज कॉल्ड बेटे ट्रांसफार्मर कॉन्स्टेंट के। ट्रांसफार्मर कॉन्स्टेंट के इसको बोलते हैं। और याद रखिएगा आपका बेटे जो ट्रांसफार्मर कॉन्स्टेंट है के की जो आप बात कर रहे हो इट इज बेटा मोर देन वन फॉर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, लेस देन वन फॉर द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बेटे जो आपने ये के निकाला है बेटा, अगर आप बात करोगे डियर चिल्ड्रन स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, के इज गोइंग टू बी मोर देन वन। और अगर आप बात करोगे आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, के इज गोइंग टू बी बेटे लेस देन वन। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। राइट पुत्र, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? ऑल क्लियर? इसके बाद बेटे ध्यान से सुनिएगा, और
अगर आपकी पावर का लॉस नहीं हो रहा, जितनी पावर आप एज एन इनपुट दे रहे हो उतनी ही पावर आपको एज एन आउटपुट भी मिल जाएगी बेटा। और आप अच्छे से जानते हो पावर आपका वी इंटू आई के बराबर होता है, और यहाँ पे वी की जगह पर आप ई ले रहे हो, इट विल बी ई इंटू आई देन, है ना बेटा। इनपुट पावर इट विल बी इक्वल टू ई प्राइमरी एंड आई प्राइमरी, ऐसा हो जाएगा। और आउटपुट पावर जो है इट विल बी ई सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी हो जाएगा जी। अगर आपका इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर है, पावर के लॉसेस अगर नहीं हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो ई एस आई एस ई पी आई पी के बराबर है। और डियर चिल्ड्रन इसको आप रीएडजस्ट कर लीजिए टर्म्स को, आपके पास आ जाएगा ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। जरा चेक करिएगा इस पुनीत, यस सर। ये क्लियर है इक्वेशन? ये हाँ जी सर। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की लेफ्ट साइड देखिए, सारे स्टूडेंट्स सेम है। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं बेटा, आइए ध्यान से देखें, आई कैन राइट दैट ई सेकेंडरी ई प्राइमरी, एन सेकेंडरी एन प्राइमरी, आई प्राइमरी आई सेकेंडरी, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन जाता है आफ्टर एडजस्टिंग दीज टू टर्म्स बेटा। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली यहां से है कि जो सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज है ई एस जो है, ये सेकेंडरी के करंट पे इन्वर्सली डिपेंड करती है, और सो इज द केस विद द प्राइमरी आल्सो। तो आई कैन डायरेक्टली राइट दैट ई इज इन्वर्सली डिपेंडेंट अपॉन आई। बेटा आपको याद होगा शुरू में हमने लिखा था इट इज द डिवाइस विच कैन कन्वर्ट हाई करंट एट लो वोल्टेज इनटू लो करंट एट हाई वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। अगर करंट हाई हो जाएगा तो वोल्टेज अपने आप लो हो जाएगी, अगर करंट लो हो गया तो वोल्टेज अपने आप हाई हो जाएगी। ये रिलेशनशिप मैंने ये चीज को डिपिक्ट करने के लिए लिखा है बेटा। अब जिस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, मे बी योर भाखड़ा नंगल डैम थर्मल प्लांट, तो आजकल आपके बंद ही रहते हैं, गर्मियों में भी बंद ही रहे हैं, ठीक है। वट एवर इज द सोर्स वेयर यू आर गेटिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड, हमारे यहाँ सिटी से तो बहुत दूर दूर है, अगर आप भाखड़ा नंगल डैम की बात कर लो तो यहाँ से देख लीजिए कितने किलो, नियर अबाउट 100 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होगा। इस इतनी बड़ी लेंथ ऑफ द वायर को इंस्टॉल करना और इस वायर को इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन के लिए बेटे यूज करना, मैं वर्ड ट्रांसमिशन डियर चिल्ड्रन यूज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको 100 किलोमीटर की पावर लाइन बनानी पड़ेगी। और आप बड़े अच्छे से जानते हैं आर जो है इट इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए होता है। आपका लेंथ ऑफ द वायर बहुत ज्यादा है, 100 किलोमीटर लगभग मैं मान लूं अगर, तो रेजिस्टेंस बहुत होगा आपकी वायर, चाहे अच्छे कंडक्टर की आप लगा रहे हो, कॉपर की लगा लोगे, वैसे तो ये जो आपकी वायर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों ने लगाई हुई है अल्मीनियम की है, ये जो बार वायर्स आप देख रहे हो वन पोल टू अनदर पोल, अगर अच्छा काम करना हो कॉपर बेटर कंडक्टर होता है, आप वो लगा सकते हो, लेकिन कॉपर कॉस्टली मेटल है, उसके चोरी होने का डर रहता है, ठीक है जी। और सेकेंडली बेटा यहाँ पे इस फॉर्मूला में अगर देखें आर आपका डायरेक्टली लेंथ पे डिपेंडेंट है, जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ का वायर लगाओगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और हो सकता है कि करंट वहां से आपके घर तक पहुंचता पहुंचता वैसे ही खत्म ही हो जाए, लेंथ बहुत है रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो इसका फिर हल क्या निकाल सकते हैं आप, एरिया बढ़ा दो, बहुत बड़ा एरिया कर दो वायर का, आप वायर बड़ी थिक ले लो, अगर थिक ले लोगे बात फिर वहीं पे आ गई, आपकी वायर की कॉस्ट ही बहुत बढ़ जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की उतनी कॉस्ट है नहीं,
आप वायर की केबल की कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा पड़ जाएगी, दैट विल नॉट बी इकोनॉमिकल। फिर क्या दिया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहां पे लगा दिया जाता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये 220 वोल्ट को, ये बेटा आपने कभी देखा होगा सिटी के बाहर जब आप जाते हो बहुत हैवी लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, पावर केबल्स होती हैं, वहां पे लिखा होता है 44 kV, ऐसे कुछ डेंजर सा साइन भी बनाया होता है उन्होंने। 44 kV का मतलब है 44 के साथ 3 जीरो लगा दो, इतने वोल्ट। ओ वही वही 220 वोल्ट को आपने इतने ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब है करंट अपने आप कम हो जाएगा, बिकॉज वी इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन आई एंड सो। अब आपने वो जो हैवी आपकी पावर केबल्स हैं उनको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प के साथ इतने वोल्ट को यूज करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए यूज कर लिया। अब आप अपने घर के बाहर पहुंच जाइए, गली मोहल्ले के बाहर, वहां पे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, दैट इज योर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो क्या करता है, इसको फिर से 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगर ना करें क्या समस्या हो जाएगी, आपका मोबाइल चार्ज करना चाहते हो, रेफ्रिजरेटर है घर में, टीवी है, इवन आपका पीसी है, ये चलो जो भी चीजें हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली, ये सारी 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होने वाली बनी हुई है। अगर आप उसको इतनी ज्यादा वोल्टेज दे दोगे तो व्हाट मे हैपन, दे विल गेट डैमेज्ड। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना जरूरी है। सो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि स्टेप अप कहाँ लगता है, डाउन कहाँ लगता है। ये सारी कहानी मैं इसीलिए सुना रहा था आपको, राइट। और इसके बाद बेटे आपके पास ये था कि डिस्ट्रीब्यूशन आप इलेक्ट्रिसिटी की कैसे करते हो, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेटेड ही हम बात कर रहे थे। अब आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन सीबीएसई में बार बार पूछा जाता रहा है कि आपके ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी टाइप के डिफरेंट लॉसेस हमें फेस करने पड़ते हैं। आप हेडिंग लिख लीजिएगा, लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर, और डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर कौन कौन से हैं बेटा, आइए इनके बारे में ब्रीफली बात कर लें। लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर, यहां पे बेटे सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है फ्लक्स लॉसेस, देन हमिंग लॉसेस, हमिंग लॉसेस, लॉसेस ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन, लॉसेस ड्यू टू एयर कैविटी, एयर कैविटी एंड ये मेन लॉसेस आपके यही हैं। इसके बाद छोटे छोटे और भी होते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्लक्स लॉसेस बेटा, आप लोगों ने देखिए अभी अभी डायग्राम मैं दोबारा बना देता हूं ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर के डायग्राम में आपने कुछ इस तरीके का बेटा सेटअप बनाया था, ये आपका ट्रांसफार्मर का कोर और ये सारी आपने रेफरिंग कर रखी है। एंड बेटा आइए मुझे एक दो और रेफरेंस बनाने दीजिए, और ये कुछ इस तरीके का सेटअप, ये ऐसे यहाँ पे आपका इनपुट एसी। मैं ये कह रहा था बेटे एक बार उन्होंने यहाँ पे डीसी सोर्स लगा के क्वेश्चन पूछ लिया था, तो वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स भी लिखी हुई थी, सब कुछ लिखा हुआ था, खाली यहाँ पे एक बैटरी शो कर दी थी, आउटपुट मस्ट हैव हेडिंग जीरो बेटा, ठीक है। एंड ये आपका सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे आपको चाहिए आउटपुट, ठीक हो गई बात जी। अब अगर आपके प्राइमरी कॉइल में से जब आप करंट पास करवाओगे इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स डिवेलप होगा, वो फ्लक्स अगर इसके साथ पूरा लिंक नहीं हुआ तो फ्लक्स का लॉस हो गया,
हो गया ना, इट मीन्स दैट बेटा कि अगर आप इनके बीच में कपलिंग, टाइट कपलिंग नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली फ्लक्स का लॉस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे प्रॉपरली लिंक हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो दैट वी विल काउंट एज द फ्लक्स लॉसेस बेटे। दूसरी बात आ जाती है आपके पास हमिंग लॉसेस भी। आप ट्रांसफार्मर के पास अगर मूव करोगे, नजदीक से निकलोगे जब ट्रांसफार्मर के, तो आपको एक कांस्टेंट साउंड उसमें से आता सुनाई देगा। ट्रांसफार्मर के पास अगर आप 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो एक बड़ी साउंड उसमें से कांस्टेंटली साउंड आती रहती है, वाइब्रेटिंग साउंड जैसी साउंड आपको वहां पे आती रहती है। तो उसमें क्या है बेटा कि आपका कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी जो है वो साउंड की फॉर्म में वेस्ट होता रहता है, मे बी ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द कोर। जब आप कोर को इतनी ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो तो कोर कई बार वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, और वो एनर्जी जो है साउंड की फॉर्म में लॉस उसका हो जाता है। लॉस हमिंग का मतलब होता है नॉइस की फॉर्म में लॉस। देन लॉस इज ड्यू टू द फॉल्टी डिजाइन। वैसे ऐसा होता नहीं है, फॉल्टी डिजाइन का मतलब होता है कि आपने ट्रांसफार्मर की कोर को जब डिजाइन किया तो जब आप डिजाइन कर रहे थे, आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, मान लीजिए आपका बटन जो है थोड़ा सा टिल्ट हो गया और आपका डिजाइन थोड़ा ऐसे फाल्टी हो गया, ये ऐसे हो गया जी, ठीक है। अगर कोर ऐसे हो जाएगा डिजाइन, तो ये आपका इनपुट, यहाँ पे आप आउटपुट ले रहे हो, तो ये देखिए इसका पूरा फ्लक्स इसके साथ लिंक नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा टिल्टेड है, कंपोनेंट निकल आएगा कॉस थीटा या साइन थीटा कंपोनेंट। तो दिस इज बेटे ड्यू टू द फॉल्टी और इम्परफेक्ट डिजाइन भी आप कह सकते हो। इसके बाद लॉस इज ड्यू टू द एयर कैविटी। इस डायग्राम पे जरा कंसेंट्रेट करिए, फोकस करिए। आप जब भी प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग करते हो, आप वायर को प्रॉपरली इंसुलेट करके देन टाइटली वाइंड करते हो, फिर भी ये वाइंडिंग मशीन से किया जाता है ताकि कोई भी ह्यूमन एरर ना रह जाए। मान लीजिए आपने जब ये वाइंडिंग किया तो यहाँ पे एक एयर का ये गैप सा रह गया, एयर यहाँ पे, एयर कैविटी का मतलब होता है एयर के, एयर के लिए आपका एक छोटा सा स्लॉट वहां पे एयर का रह गया है। अदरवाइज तो ये आप जब टाइट वाइंडिंग करते हो तो ऐसे 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 हो जाएगा, कोई एयर वहां एंटर ही नहीं कर पाएगा। आपके पास एक सिंगल लेयर नहीं होता, डबल ट्रिपल लेयर होती है, और नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हाई रखते हैं हम। जब आप ऐसे डबल ट्रिपल लेयर भी यूज करते हो तो फर्स्ट लेयर के बाद सेकेंड लेयर से पहले कहीं पे एयर का गैप रह गया, थोड़ा बहुत एयर की कैविटी रह गई। एयर जो है इट इज नॉट एट ऑल ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर है, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ फ्लक्स का लॉस अगेन होगा, दैट इज कॉल्ड बेटा लॉसेस ड्यू टू द एयर कैविटी। तो ये बेटे प्रोमिनेंट टाइप ऑफ लॉसेस हैं आपके ट्रांसफार्मर में, इनको अवॉइड किया जा सकता है बाई एड्रेसिंग ऑल दीज पॉइंट बेटा। सो इज दिस योर बेटे ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर है क्या, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, और ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है, वोल्टेज और करंट कैसे रिलेटेड है, वोल्टेज और करंट देन नंबर ऑफ टर्न्स के साथ कैसे रिलेटेड है, और डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एसी कैसे पॉसिबल है, और लॉसेस कौन कौन से हैं ट्रांसफार्मर में, ये सारा आपका बेसिक कंसेप्ट था। इश्पुनीत, सिया, सुप्रिया, भव्या, सर। सीए टू ऑल बेटा, हाँ जी सर। भव्या 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 नहीं सुन पा रही आई थिंक। हाँ जी सुनीत यस सर। बेटे, क्लियर है सारा? यस सर। बिल्कुल हाँ जी सर, बिल्कुल पक्की क्लियर, बात 100%। है। हाँ जी सर। चलिए बेटे देन आगे चलते हैं। देन इसके बाद बेटे हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, नाम तो लिख लें बेटे, पहले तो हो ही जाएगी, पहले अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है। दिस इज बेटे योर
ईएम वेव्स, फुल फॉर्म में आप इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ कहना चाहते हो पुत्र? हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये चैप्टर हमने करना है बेटा। हर्ट्ज सेटअप कर लें स्टार्ट में, क्या कहते हो, कर लें थोड़ा सा काम, दो मिनट में करवा दूंगा मैं। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, आइए जरा फोकस करके देखें। आपको बेटे दो प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कुछ इस तरीके से दी गई हैं। एक प्लेट ये है, एक प्लेट आपका ये दिया गया है आपको। इन प्लेट्स को आपने एक रॉड अटैच किया है, यहाँ पे एक स्फेर मेटेलिक स्फीयर लगा दिया गया है, और इसको आपने एक इस तरीके से वायर के साथ कनेक्ट करके कुछ इस तरीके से बेटे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ, ये हाई फ्रीक्वेंसीज के साथ कनेक्ट किया, इनपुट दे रहे हो, ये मेरे कहने का मतलब है। और यहाँ पे आपने एक डिटेक्शन के लिए डिवाइस लगा रखा है, दिस इज कॉल्ड डिटेक्टर। जरा ध्यान से समझिएगा, जब आप यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा देते हो, बड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आपकी एसी वेरी करती है। ये वाली प्लेट P1, ये वाली प्लेट P2 है, ये स्फीयर S1, ये S2 है, इनके अक्रॉस जो एयर का गैप है, एयर के गैप में एयर का आयोनाइजेशन हो जाएगा बेटा। जब आप वेरिंग करंट अप्लाई कर रहे हो तो वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस गैप में डेवलप हो जाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से दोनों के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाएगा, दैट विल ट्रेवल इन दिस वे, दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा। इसको डिटेक्ट करने के लिए आपने डिटेक्टर लगा रखा है। मैं सेटअप की बात एक बार फिर से कर लूं, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, दो स्फीयर्स हैं, ये मेटल की रॉड्स हैं, ये कनेक्टिंग वायर है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर आपने अटैच किया, ये डिटेक्टर है, और आप फ्रीक्वेंसी जो है 1/2 pi√LC के हिसाब से फ्रीक्वेंसी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नोट कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसने प्रोड्यूस की, और इनकी वेवलेंथ करीब करीब 6 meters के पास थी, लेकिन ये उनको वो प्रॉपरली यूज नहीं कर पाए। एक सेकेंड बेटा, इसके बाद इंडियन साइंटिस्ट थे J.C. Bose, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके 5 mm से लेकर 25 mm तक की वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट की, बट वो उसको लेबोरेटरी तक ही कन्फाइंड रहे, इकोनॉमिकली या प्रैक्टिकली वो इसको नहीं यूज कर पाए। इसके बाद मार्कोनी, ही वाज अनदर साइंटिस्ट, मार्कोनी ने फ्यू किलोमीटर्स तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बेटे ट्रेवल करवाया, स्पेशली अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, और वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो कमर्शियलाइजेशन है स्टार्ट हुई बेटा। तो ये कुछ बैकग्राउंड था, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा बेटा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे बेटे, थैंक यू। 1/2 pi√LC, किया नहीं था रेजोनेंस ने।